आज का वीडियो है माल्टा लिविंग एक्सपेंस के ऊपर, माल्टा लिविंग एक्सपेंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि माल्टा में सैलरी क्या कमाता है एक स्टूडेंट, और एक स्टूडेंट के खर्चे क्या क्या होते हैं एक महीने के अंदर। अब ये जो वीडियो है, ये वीडियो हम बना रहे हैं जो बच्चे हमारे अब जाने वाले हैं। हमारे अभी बच्चे सितंबर इनटेक और नवंबर इनटेक में लगभग 150 बच्चा हमारा जा रहा है, तो वो सभी बच्चे बार बार हमको एक ही सवाल पूछते थे कि सर वहाँ का हमारा क्या इनकम हो जाएगी, कितना लिविंग एक्सपेंस होगा। तो हमने क्या करा, जिन बच्चों को हम पहले भेज चुके हैं, जो बच्चे हमारे लॉकडाउन से पहले के माल्टा गए हुए हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो हमने उन बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट करा, जिससे कि हमें वहाँ की ग्राउंड लेवल की एक्चुअल फिगर सामने आए कि उधर एक्चुअली में कितनी इनकम हो रही है और कितना खर्चा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई हवाबाजी में बनाया गया वीडियो है, ये रियल टाइम एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर ही ये वीडियो तैयार कराया है हमने। तो इस वीडियो के अंदर आई विल शेयर यू फ्यू फैक्ट्स। अब सबसे जरूरी चीज कि आपकी इनकम कितनी है, क्योंकि आप अपनी इनकम के हिसाब से ही खर्चा करोगे और अपनी इनकम के हिसाब से ही आप सेविंग करोगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैं कितना कमा लेता हूं ऑन अ स्टूडेंट वीजा के ऊपर। स्टूडेंट वीजा के ऊपर एक एवरेज जो सैलरी है स्टूडेंट्स की, वो है 800 यूरो से 1200 यूरो पर मंथ। अब यहां पर ये सैलरी, कई बच्चों से हमने बात करी जिनकी सैलरी आराम से 1800-2000 यूरो भी थी, पर वो उन बच्चों की थी जिनको आईटी की गेमिंग के अंदर काम आ गया, या जिन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा अपग्रेड और स्किल्स में कर लिया है। पर इन जर्नल स्टूडेंट्स की जो सैलरी होती है वो 800 से 1200 यूरो के बीच में रहती है। अब हम समझते हैं कि 800-1200 यूरो में एक स्टूडेंट का खर्चा क्या होगा और वो क्या बचा सकता है। अब 800 यूरो के अंदर अंदर जब आप रहते हैं तो आप वहां पर पहला खर्चा करते हैं रहने का, विच इज कॉल्ड शेयरिंग बेड स्पेस। अब ये शेयरिंग बेड स्पेस को समझना यहां पर ध्यान से, एक 3-bedroom फ्लैट है और हर फ्लैट के अंदर, हर रूम के अंदर, 3-bedroom फ्लैट हो गया, हर रूम के अंदर 2-2 bedroom है। तो जो 2-2 bedroom है तो एक बेड के ऊपर एक स्टूडेंट रह रहा है, मतलब एक रूम में 2 students हो गए। तो जो एक स्टूडेंट का बेड स्पेस का खर्चा है वो है लगभग 150 euro से 200 euro के बीच में। So this is 150 to 200 euro on a bed space। यही कई स्टूडेंट्स ऐसे हमसे बात हुई जो सिंगल रूम में रह रहे हैं, मतलब 3 students हैं जिन्होंने एक फ्लैट ले लिया और तीनों स्टूडेंट एक अलग अलग रूम में रह रहे हैं, वो बेड शेयरिंग नहीं कर रहे, वो रूम शेयरिंग कर रहे हैं, एक सिंगल रूम में रह रहे हैं। तो जब आप शेयरिंग रूम में रहते हो एक सिंगल रूम में, तो आपका वहां पे खर्चा आता है 250 से 350 euro पर मंथ का। So this is your expense over there। अब एक बड़ा जरूरी चीज है जिसको हम बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी, आपका ग्रॉसरी का खर्चा। अब वहां पर ऑलमोस्ट 95% सारे के सारे स्टूडेंट अपने घर पर ही खाना पकाते हैं। अब वो जब घर खाना पका रहे हैं तो इसका मतलब वो ग्रॉसरी भी खरीद रहे हैं और फिर कपड़े भी घर धो रहे हैं तो सर्फ भी खरीद रहे हैं, बर्तन भी घर मांज रहे हैं तो बर्तन धोने का सामान भी खरीद रहे हैं, अपने कमरे में झाड़ू पोछा भी करते हैं। तो डेट इज कॉल्ड हाउस होल्ड आइटम्स। तो हमने उनसे पूछा कि ग्रॉसरी का और हाउस होल्ड आइटम्स के ऊपर आप कितना खर्चा करते हो। तो उनका ग्रॉसरी और हाउस होल्ड आइटम्स पे खर्चा होता है यूरो 100 से 150 euro के बीच में पर मंथ पर स्टूडेंट। ठीक है जी। अब अगला आया आपका ट्रांसपोर्ट। वहां पर आपको 3 तरीके की ट्रांसपोर्ट मिलती है। एक है आपकी बसेस जो सबसे सस्ती हैं, दूसरा है टैक्सी। टैक्सी थोड़ी महंगी है क्योंकि फिर वो पर किलोमीटर के हिसाब से टैक्सी वहां पे चार्ज करती है, तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। थर्ड है आपका फेरी। फेरी हो गया आपका एक तरीके से एक बोट है जो समुद्र में सी पे चलती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, जो बसेस की है। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका जो खर्चा है वो मैक्सिमम खर्चा 50 यूरो का है। जनरली ये मेरे पास मैक्सिमम फिगर 30 यूरो पे आई थी, पर कई बच्चों ने ज्यादा भी फिगर बोली तो हमने उसको 50 यूरो लिख लिया है, पर 30-35 यूरो में हो जाता है। स्टिल अब बच्चों का फीडबैक है
तो हम बच्चों के फीडबैक के हिसाब से जा रहे हैं कि जो लोग वहां रह रहे हैं उनका कितना खर्चा होता है, तो उनके हिसाब से 50 यूरो एवरेज हमें लिखना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि कभी कभी आपको टैक्सी भी लेनी पड़ जाती है। सो हमने उसको 50 यूरो एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट खर्चा आता है आपका मोबाइल और इंटरनेट। अब अगर आप मोबाइल के अंदर ही अपना डेटा पैकेज यूज करते हो तो वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है। तो बच्चों ने क्या करा हुआ है, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने अपने घर के अंदर ही इंटरनेट लगवा लिया और मोबाइल का सिम कार्ड ले लिया। तो घर का इंटरनेट, मोबाइल का सिम कार्ड और मोबाइल का डेटा पैकेज, क्योंकि अब वो डेटा पैकेज कम यूज हो रहा है क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो घर के वाईफाई को यूज कर रहे होते हैं। तो इंटरनेट और मोबाइल का जो बिल आता है वो आता है यूरो 50 दोनों का मिलाकर। अब ये जो मैंने लिखा हुआ लिखा है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, दिस इज अगेन आपके घर का। आप जिस घर में रह रहे हो वहां पर आप शेयरिंग में रह रहे हो तो उधर का बिजली पानी का बिल भी आपस में शेयर ही करोगे आप, तो वो जो शेयरिंग खर्चा आप करते हो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का, दैट इज यूरो 30। वो 30 से भी कम आता है अगेन, लेकिन हम फिर भी आपको 30 बोल रहे हैं क्योंकि जो बच्चे बेड स्पेस में रह रहे थे उनका कम हो जाता है क्योंकि वहां पर बच्चे ज्यादा हैं, जो सिंगल रूम में रह रहे हैं तो वहां पर बच्चे कम है तो खर्चा थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो उन्होंने हमको 30 लिखवाया। अगला आता है एंटरटेनमेंट एंड मिसलेनियस खर्चे। अब एंटरटेनमेंट जैसे कि मूवीज हैं, वहां पे 7 यूरो की मूवी की टिकट आती है विच इज अफोर्डेबल। आपका मिसलेनियस, आप कभी अपने लिए कोई शॉर्ट्स खरीद रहे हो, कोई कपड़े खरीद रहे हो, कोई जूते खरीद रहे हो, कभी कोई शॉपिंग करने चले गए, तो जो मिसलेनियस खर्चे हैं इसके अंदर भी काफी वेरिएशन थी। बच्चों ने हमको लगभग 20-25 यूरो से लेकर 70 यूरो के बीच में खर्चे लिखवाए थे हमें, तो हमने उसको एवरेज आउट कर दिया 50 यूरो को लेकर। तो आपका मिसलेनियस खर्चा हमने 50 डाल दिया। अब जिसको मैं टोटल करूं अगर, तो ये तकरीबन आपका 500 यूरो के अंदर अंदर जो हमारी ओवरऑल डिस्कशन हुआ, तो सबने बोला कि अगर हम थोड़ा तरीके से रहते हैं और मतलब घूम फिर भी रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं, बहुत कंजूसी में नहीं रह रहे, गरीबी वाली हालत में नहीं रह रहे, एक डिसेंट वे में रहते हैं, तो 450 से 500 यूरो के बीच में हमारा खर्चा होता है। अब हमने सैलरी लिखी थी 800 यूरो से 1200 यूरो। अगर मैं सैलरी को 1000 यूरो भी बीच का पकड़ लूं, तो 1000 में से अगर 500 यूरो भी आपने खर्चा कर दिया तो नेट सेविंग 500 यूरो होती है। ऑलमोस्ट सभी बच्चों का ये कहना है कि हाँ हाँ सर 500 यूरो तो बच ही जाते हैं। अब आप अपना वहां पर सारा रहने के बाद, मैं कहता हूं कि 200 यूरो आप अपने लिए, अपने इमरजेंसी के लिए माल्टा में ही अपने अकाउंट में रखो और 300 यूरो अपने घर भेजो, करेक्ट। अब अगर आप वो 200 यूरो अपने पास रखते हैं तो आप पूरे साल भर के अंदर आपके पास पैसा धीरे धीरे इकट्ठा हो जाएगा। फिर किसी महीने थोड़ा सा ज्यादा आपने रख लिया, अब उससे क्या है कि अगर आपको वहां पर 2 साल का कोर्स करना है तो आप अगले साल की ट्यूशन फी अपने इसी पैसे को बचाकर आप पे कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट न्यूज दे रहा हूं मैं आपको, एक चीज है जॉब प्लस, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है जॉब प्लस, वहां पर क्या होता है कि बच्चों का फ्री में उनके स्किल्स को अपग्रेड करा जाता है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर स्किल इंडिया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, ऐसे ही माल्टा के अंदर है जॉब प्लस, वो वहां पर फ्री के अंदर बच्चों के स्किल्स को अपग्रेड करती है। तो बच्चे वहां क्या करते हैं, जॉब प्लस में जाकर अपने आप को करते हैं रजिस्टर, विच इज एवरीथिंग इज ऑनलाइन, और आप फिर जॉब प्लस में जाकर अपने स्किल्स को करते हो अपग्रेड। एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा डिश वॉशर है किसी रेस्टोरेंट में बर्तन मांज रहा है तो वो अपने स्किल्स को अपग्रेड कर लेता है कुकिंग में आकर। किसी को अगर इलेक्ट्रिशियन का काम आता है तो वो अपने आप को अपग्रेड कर लेता है प्लम्बिंग में भी। किसी को कारपेंटर आता है तो वो अपने आप को पॉलिशिंग में किसी और में कर लेता है। तो एक इंडिविजुअल अपने स्किल्स को भी अपग्रेड कर अपनी सैलरीज को ज्यादा ले लेता है, वो एज अ फ्रीलांसर भी काम करना शुरू कर देते हैं। बच्चे क्या करते हैं वहां पर,
इन चीजों के अलावा भी जैसे मैंने बताया फ्रीलांसर, तो बहुत सारे बच्चे एज अ फ्रीलांसर भी वहां काम कर रहे हैं, कई बच्चे वहां पर एज अ कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं, कई बच्चे वहां से कुछ चीजों के ऑर्डर ले रहे हैं और फिर वो इंडिया से करवा लेते हैं, किसी ने वेबसाइट का ऑर्डर ले लिया, तो छोटे छोटे ऑर्डर भी ऐसे बच्चे ऑनलाइन वाले ऑर्डर्स लेकर भी अपनी इस इनकम को बढ़ा लेते हैं, जिससे कि वो अपने अगले साल की ट्यूशन फी आराम से कवर कर सकते हैं। तो लिविंग एक्सपेंस में ये क्लियर हमको समझ में आता है स्टार्ट के अंदर कि आप आराम से 400-500 यूरो इजीली वहां रहकर सेव कर सकते हो। कई बच्चे ये सोचते हैं कि हम माल्टा पहुंचे और हम आगे चले जाएं फटाफट से, तो मेरी उन बच्चों को एडवाइस है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माल्टा के अंदर बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, क्राइम फ्री है, एक अच्छी सुंदर कंट्री है, बीचेस हैं, नाइस एनवायरनमेंट है, सनी वेदर है, हर तरीके की फैसिलिटी है माल्टा के अंदर। तो अगर आप माल्टा में रहेंगे और वहां कमाएंगे तो आराम से आप अपनी एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं इन फ्यूचर के अंदर, और एक सही लाइफ, डिसेंट लाइफ वहां पर आप लिव कर सकते हैं। हमारी कंपनी वीमार्स करियर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, हम लोग माल्टा स्टूडेंट वीजा को बहुत स्ट्रॉन्गली करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के हम लोग इंडिया ऑफिस हैं, आई एम दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दी कॉलेजेस इन माल्टा। तो कई बच्चों के इंडिया में जो इंटरव्यूज होते हैं वो मैं ही क्लियर करता हूँ, मैं ही लेता हूँ। तो आप में से किसी का भी अगर माल्टा स्टूडेंट वीजा को लेकर कोई भी क्वेश्चंस हैं, डाउट हैं, तो आप कभी भी हमारी कंपनी के साथ डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हम आपका कंप्लीट वीजा प्रोसेस करेंगे, हम आपको एडवाइस करेंगे कि किस कॉलेज में जाएं, किस कोर्स में जाएं, किस इनटेक में जाएं, उसमें कोई स्कॉलरशिप है कि नहीं, उसका प्रोसेस क्या होता है। हम आपको इंडिया से लेकर माल्टा सेटलमेंट तक का पूरा कंप्लीट गाइड करते हैं हम लोग आपको। हमारे ऑफिसेस दुबई, हैदराबाद, सिरसा, कुरुक्षेत्र और हेड ऑफिस हमारा नोएडा में है, दिल्ली के पास। मैं अमन शुक्ला, आई एम दी सीईओ ऑफ दी कंपनी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।